हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तालिब खान। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टॉप 5 न्यूज़ ऑफ द डे बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल तालिब खान को सब्सक्राइब करें। तो पहली न्यूज़ आ रही है एप्पल आईफोन एक्स मैक्स वर्सेस एप्पल आईफोन 8 प्लस। जानिए क्या है अंतर। तो चलिए इसके डिफरेंस और अंतर आज हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। एप्पल आईफोन एक्स मैक्स का डिस्प्ले है 6.5 इंच रेटिना और आईफोन 8 प्लस का है 5.5 इंच रेटिना। इसका प्रोसेसर एक्स मैक्स का A12 है और आईफोन 8 प्लस का A11 है। स्टोरेज 64 GB 256 GB इंटरनल अप टू, और आईफोन 8 प्लस का 64 GB 256 GB सेम ही है वो दोनों। रियर कैमरा 12 प्लस 12 ये दोनों में सेम है आईफोन एक्स मैक्स में और आईफोन 8 प्लस में। और फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल ये दोनों सेम ही है। तो और इसके आईओएस के बारे में जान लेते हैं। तो ये आईओएस पे काम करता है। और चलिए अब दूसरी न्यूज़ देखते हैं। दूसरी न्यूज़ आ रही है, जल्द ही आने वाला है 5G स्मार्टफोन फीचर्स, जानिए उड़ जाएंगे आपके होश। तो चलिए इसके कुछ फीचर्स और इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आपने 5G टेक्नोलॉजी के बारे में सुना ही होगा। अगले साल से पूरे विश्व भर में 5G सेवा शुरू होने वाली है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनियां इस तैयारी में लगी हुई हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी शामिल एप्पल ने तैयारी करना शुरू कर दी। आगे आने वाले साल में एप्पल अपना नया स्मार्टफोन को 5G टेक्नोलॉजी में लॉन्च कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले दौर में 5G टेक्नोलॉजी में एप्पल भी होगा और बहुत से ऐसे स्मार्टफोन होंगे जैसे शाओमी, ओप्पो और बहुत से हैं जैसे कि सैमसंग हैं और हैं, और इन ये लोग सब तैयारी में लगे हुए हैं 5G की टेक्नोलॉजी लाने में। और तीसरी न्यूज़ आ रही है, 2.0 के टीजर ने तोड़ दी इन 4 फिल्मों के रिकॉर्ड, बन सकती है एशिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। जी हाँ दोस्तों, 2.0 बहुत ही अब हम बात कर रहे हैं रोबोट 2.0 की। हाँ, ये यूट्यूब पर एक ही घंटे में 8 लाख व्यूज से ज़्यादा भी पा चुके हैं। यूट्यूब पर बहुत ही रेटिंग इसको मिल चुकी है। ट्रेंडिंग पे इसकी वीडियो चल रही है। 2.0 की ट्रेलर की बात करें और ये अब तक 1,04,44,845 बार देखा जा चुका है। इसका टीज़र ट्रेलर जो है अभी इतना धमाल मचाया हुआ है, जब इसका थिएट्रिकल ट्रेलर आएगा तो सोच लीजिए अभी कितना धमाल। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना धमाल मचाने वाली है। ये फिल्म कितना धमाल मचाने वाली है। और चौथी न्यूज़ आ रही है, एवेंजर्स के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी की बात। तो जी, एवेंजर्स की इन्फिनिटी वार 4 की हम बात कर रहे हैं। $30 करोड़ की बजट की बनने वाली फिल्म 200 करोड़ कमाई हुई थी इसकी। और इस फिल्म में ये फिल्म 2 घंटे 40 मिनट की थी और अब ये 45 मिनट और बढ़ा दी गई है। और इसके डायरेक्टर ने कहा है कि ये 45 मिनट इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि इसके डिलीटेड सीन्स, थानोस के कुछ डिलीटेड सीन्स दिखाई जाएंगी जो एवेंजर्स में नहीं दिखाई गई थी, इन्फिनिटी वार में नहीं दिखाई गई थी। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको एवेंजर इन्फिनिटी वार कैसी लगी थी। ये बहुत ही एक अच्छी मूवी है और ये बहुत ही अच्छी कमाई की थी। ये हर भाषा में रिलीज हुई थी, अभी तो हिंदी में जल्दी आई है और बहुत ही अच्छी मूवी है। पांचवी न्यूज़ आ रही है, 7,000 में 3 बेहतरीन मोबाइल फ़ोन। हाँ जी दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, 7,000 में, इस ज़माने में 7,000 में कहाँ फ़ोन मिलते हैं। मगर अभी भी इस ज़माने में 7,000 में 3 ऐसे फ़ोन हैं जो बहुत ही अच्छे रहे हैं। पहले नंबर पर है हॉनर 7S और दूसरे नंबर पर रेडमी 5F जिसकी कीमत है 5,999। हॉनर 7S की कीमत है 6,999 और रेडमी 6 की कीमत है 7,999। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तालिब खान को, और ऐसी टॉप 5 न्यूज़ ऑफ द डे रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, खुदा हाफिज़।